सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। बड़ा कलील वक्त है और आज हम और तमामी हाजरीन 200वीं बज्म नूरी के इस इजलास में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं उसी बज्म नूरी के अराकीन के लिए और तमाम उससे जुड़े उलमाए कराम के लिए तीन शेर कहूँगा और उसी में चंद बातें कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। उलमाए अहले सुन्नत से मुअद्दबाना गुजारिश के तवज्जो फरमाएं कि खुशबू नबी के इश्क की दिल में बसा के चल, खुशबू नबी के इश्क की दिल में बसा के चल, तारीकियों का दौर है शम्मा जला के चल। खुशबू नबी के इश्क की दिल में बसा के चल, तारीकियों का दौर है शम्मा जला के चल। और गर देखना है जलवे तजल्ली ये तूर के, गर देखना है जलवे तजल्ली ये तूर के, पाए नबी की खाक का सुरमा लगा के चल, पाए नबी की खाक का सुरमा लगा के चल। और देखे जो तुझको कह दे गुलामे रसूल है, देखे जो तुझको कह दे गुलामे रसूल है, खुलके नबी का खुद को नमूना बना के चल। देखे जो तुझको कह दे गुलामे रसूल है, खुलके नबी का खुद को नमूना बना के चल। मोहतरम सामाई नजरात, इस बज़्म का जो नाम है नूरी, नूरी, तो इस बज़्म में नूर वाले सरकार का नूरी करम हो रहा है। उसके बाद हम सरकार की आल से मोहब्बत करते हैं और आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो दूसरा फैज जो आ रहा है वो सरकार की आल का आ रहा है, जिसकी मुनासिबत से ये बज़्म नूरी रखी गई। और फिर सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का फैज़ो करम इसके ऊपर है, जिनका लकब नूरी है, तो उसके मुनासिबत से ये बज़्मे नूरी भोपाल की सरजमीन से शुरू हुई और इसकी शुआएं आज आप लोगों ने दोपहर में सुन चुके हो। मैं चंद मिनट के लिए आया हूँ और सिर्फ इसी पे गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि बयान का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इसी की तारीफ में अपना बयान करूंगा और मुकम्मल करके अपने हिस्से की सआदत हासिल करके बैठ जाऊंगा। यहाँ से इसकी शुआएं चली और चाना मेटा तक पहुंची और फिर वहां से गालिबन 13 इलाकों के अंदर आज बज़्मे नूरी मनाई जा रही है। तो ये शुआएं इस भोपाल की सरजमीन से चली और ये इतनी मकबूल इसलिए हुई है, देखिए कोई भी चीज जब मकबूल होती है ना तो इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल होती है। तो बज़्मे नूरी के जितने अराकीन हैं और जितने उलमा इकराम हैं, उन्होंने इस बज़्म को चलाने के लिए अपनी अना के लिए नहीं चलाया है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए चलाया है। इसलिए रब्बे कायनात ने इसमें बरकतें शामिल फरमाई, इसमें अपनी रहमतें शामिल फरमाई और इसको इतनी उरूजियत बख्शी है कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पर बज़्मे नूरी का नाम है। और फिर बज़्मे नूरी ने इसमें रहकर किया क्या है, हमारे मुआशरे से जो हमारे बुजुर्गान दीन की रिवायत खत्म हो गई थी, जो तरीका खत्म हो गया था, जो सलीका खत्म हो गया था, उसे दोबारा चालू कर
लोगों के सामने मुआशरे में उस चीज को लेकर आया जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था कि जब हम अपने घर में कोई चीज की शुरुआत करते थे तो रसूल की मस्जिद से किया करते थे। अगर कभी हमारे घरों में शादी होती थी, कभी हमारे घरों में किसी घर की ओपनिंग होती थी या दुकानों की ओपनिंग होती थी तो हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका ये हुआ करता था कि नबी की मस्जिद सजा कर बैठ जाया करते थे, उनकी तारीफ और तौसीफ किया करते थे और उसी चीज से अपनी हर चीज का आगाज किया करते थे। मगर जमाना बदला, फैशन का जमाना आया, नौजवान नस्ल पैदा हुई और उसी फैशन के जमाने में जी रही थी। हमने अपने बुजुर्गान दीन का तरीका और सलीका खत्म कर दिया था, मगर बज़्मे नूरी ने ये काम किया कि जो रिवायत बुजुर्गान दीन की थी वो फिर नौजवानों नस्ल में राइज कर दी। और आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जब हमें किसी चीज की शुरुआत करनी होती है तो बेसाख्ता हमारी जबान पे आता है कि बज़्मे नूरी को बुला लिया जाए। कभी हमें अपनी दुकान की ओपनिंग करना होता है तो बेसाख्ता हम कॉल उठाकर लगाते हैं, कभी हसन मरकजी साहब को लगाते हैं, कभी हाफिज महमूद साहब को लगाते हैं। जिस इलाके में हमको बज़्मे नूरी करना होता है तो हम कॉन्टेक्ट करते हैं कि आज हमारे घर में शादी का मौका है, इस खुशी पर हम बज़्मे नूरी का इनकार करना चाहते हैं। और यहाँ से जवाब आता है कि बिल्कुल हम तैयार हैं। और फिर एक जम्बे गफीर की तरह वहां पर लोग पहुंचते हैं और बज़्मे नूरी होती है। और तीसरी बात कि बज़्मे नूरी ने अपनी बज़्म में नौजवानों को इकट्ठा कर, मैंने कहा ना शेर में कि देखे जो तुझको कहते गुलामे रसूल है, खुलके नबी का खुद को नमूना बना के चल। आज हमारे बज़्मे नूरी के चंद अफराद जो हैं, आज उनके चेहरों पे देखिए सुन्नत मुस्तफ़ा सजी हुई है। ये किसी और चीज की देन नहीं है, ये बज़्मे नूरी का सदका है। ये बज़्मे नूरी का सदका है कि जो नौजवान दाढ़ी रखने के लिए कतराते थे, जो सुन्नत मुस्तफ़ा से कतराते थे, बज़्मे नूरी का रंग ऐसा चढ़ा कि बेसाख्ता उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने चेहरों पे दाढ़ी को सजा लिया, सुन्नत मुस्तफ़ा को सजा लिया और दर जोक वो बज़्मे नूरी में जुड़ते चले गए। और आज ये काफिला एक जम्बे गफीर की सूरत इख्तियार कर चुका है। और आज हम दोस्तों भी बज़्मे नूरी में इसलिए जमा हुए हैं कि ये 13 इलाकों में जो बज़्मे नूरी चल रही है, मैं कह सकता हूं कि हर इलाके से कोई ना कोई यहां पर आया है। तो किस चीज ने खींच कर लेके आया, किस चीज ने खींच कर लेके आया, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा ने खींच कर लेके आया। ये बज़्मे नूरी ने जो मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारे दिल में आमजन की है, हमारे दिल में बिठा दी है और सीरत मुस्तफ़ा जो हम तक पहुंचाई है और मोहब्बत मुस्तफ़ा जिससे हम सरसार हुए हैं, ये उसी का सिला है कि आज हम इस 200वीं बज़्मे नूरी में हाजिर आए हैं। उलमा इकराम की जियारत कर रहे हैं, आले रसूल की जियारत कर रहे हैं और इतनी उरूसियत बज़्मे नूरी को इसलिए मेरी बस आखिरी बात कि इसने अपनी अना के लिए कुछ नहीं किया, अपनी अना के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया है। और जो काम अल्लाह और उसकी रजा के लिए किया जाए, मेरा दावा है कि फिर वो कयामत तक खत्म नहीं होता। तो कयामत अगर अपने अना के लिए करोगे तो कुछ दिन चलकर वो खत्म हो जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, कई तंजीमें चालू हुई, कई तंजीमें चालू हुई और होकर खत्म हो गई, आज इनका नाम और निशान नहीं है। मगर ये तंजीम भोपाल से चालू हुई, इसकी रोशनी, इसकी शुआएं आज देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में है। और अल्लाह तबारक से दुआ है कि रब्बे कायनात हम उलमा इकराम से ऐसे ही काम लेता रहे और इसकी शुआएं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के कोने कोने में फैलाए, ताकि जाने लोग कि बज़्मे नूरी है क्या और काम क्या करती है और इसका मकसद, इसका मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद कि उलमा इकराम के बीच में इत्तेहाद को पैदा करना, क्योंकि जब उलमा इकराम इत्तेहादी हो जाएंगे तो उनके पीछे जितनी आवाम है उसमें अपने आप इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, अपने आप इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। तो बज़्मे नूरी ने एक चालू किया ताकि उलमा इकराम को जोड़े और आपस में उनका इत्तेहाद हो, इख्तलाफ खत्म हो। तो जब उलमा इकराम में इत्तेहाद हो जाएगा,
जो कौम का रहबर है, तो फिर अवाम ऑटोमेटिकली इख्तिलाफ से खत्म हो जाएगी और आपस में इत्तेहाद हो जाएगा, और जब इत्तेहाद हो जाएगा तो यही उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी है, यही उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी है। जब हम तमाम के बीच में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा तो फिर हम उरूसियत पा जाएंगे, हम बुलंदी पा जाएंगे, इस्लाम को उरूसियत मिल जाएगी, इस्लाम का झंडा सरबुलंदी को पहुंच जाएगा। क्योंकि उलमा इकराम ने कहा है, बुजुर्गान दीन ने कहा है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। तो बसमे नूरी इसी तर्ज पे काम कर रही है ताकि उलमा इकराम इत्तेहाद पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि कौम की सही तरीके से रहबरी हो सके, कौम को सही तरीके पे राय सियात पे लाके खड़ा कर सके। और फिर बसमे नूरी ने चाना मेटा की सरजमीन पर एक तंजीम और चालू की है। हर जगह तो सिर्फ मर्द हजरात की तंजीम चल रही है, मगर हमारी हाफिज महमूद साहब की कोशिशों से हफ्ते में एक मरतबा औरतों की बज़्मे नूरी चाना मेटा के अंदर चालू की गई है, और औरतों को भी, मस्तूरात को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि वो भी इस शुआओं से दूर ना रहे, इसकी रोशनी से दूर ना रहे, और उनको भी दीन की तबलीग हासिल हो, उन तक भी इल्म पहुंचाया जाए। ये शुरुआत चाना मेटा की सरजमीन से हुई है और ये धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले रही है। अल्लाह तबारक व तआला जो उलमा इकराम इसमें शामिल है, तमाम की उम्रों में इल्म में बरकतें अता फरमाए, हम तमाम का यहाँ आना कबूल अता फरमाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग, वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल।